मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद ऐसे बंदियों को देशभक्ति ने तिरंगा कारीगर बना दिया। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में इन दिनों देशभक्ति का ज्वार उठ रहा है। इसमें जेल प्रशासन खासतौर से जेल अधीक्षक राकेश कुमार का बड़ा योगदान है। जेल के बंदियों पर देशभक्ति के इस रंग को गाढ़ा किया सीडीओ शशांक चौधरी ने। जेल के ये बंदी घर घर तिरंगा अभियान के लिए इन दिनों तिरंगे झंडे तैयार कर रहे हैं। करीब 10,000 से ज्यादा तिरंगे तैयार किए जाएंगे। जेल अधीक्षक ने बताया कि जो भी बंदी इस कार्य में लगा है वो स्वेच्छा व देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होकर लगे हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है। सीडीओ ने बताया कि मेरठ के करीब 25 लाख घरों पर तिरंगा लहराने की योजना के तहत जिला कारागार को भी तिरंगा तैयार कराने का दायित्व सौंपा गया है। इसको जेल प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। वही हम लोग आप जनमानस से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी झंडे हैं वो हम लोगों ने जो भी हमें शासन से प्राप्त होंगे वो भी हम झंडे गांव-गांव में पहुंचाएंगे और जो नॉर्मली यहाँ बनाए जा रहे हैं वो भी हम लोग गांव-गांव में पहुंचाएंगे। और इसमें झंडा वितरण करना चूँकि झंडे की एक अपनी अहमियत है, तिरंगे की एक अपनी अहमियत है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी अहमियत को लोगों को समझाएं, उसका मूल्य इस तरह रखा जाए जो बहुत ही अफोर्डेबल हो। उसमें अभी कोई चूँकि अलग अलग क्वालिटी के झंडे हैं कोई रेट निर्धारित नहीं है, बट ये रहेगा कि कोई भी ओवर प्राइसिंग ना हो इसका हम जरूर ध्यान रखेंगे।